अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद फिर हम फिर फ्लाइट एयरपोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे साथ, क्योंकि स्ट्राइक चल रही है आज प्राइवेट टैक्सी की, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं भाई। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। जैसा गाइस आप वहाँ से एंट्री करते हो यहाँ पे और आप यहाँ पर आओगे अंदर, अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा यहाँ का। यहाँ पर जैसे स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है, सबके ना अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इधर जो है ये पूरा स्पाइस जेट का बना हुआ है, और अगर जो सबसे पहली तरफ आप बात करें तो इंडिगो का बना हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप मतलब कन्फ्यूज नहीं होना आपको कि यार हम अंदर आ गए, एंट्री अब जाना किधर है। तो जिस कंपनी से आपने अपना टिकट बनवाया है स्पाइसजेट से या विस्तारा से या एयर अरेबिक से स्पाइसजेट से, तो मतलब उसी आपको उसी लाइन में आपको जाना है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अंदर सीधा एंट्री करनी है आराम से, और जो जिस भी कंपनी से आपने टिकट बुक कराया हो उसमें जा कर के लाइन में लग जाना है और अपना बोर्डिंग पास बनवा लेना है। बोर्डिंग पास बनवाने के बाद आपको आपका लगेज, वो जो 15 किलो का जो लगेज होगा वो आप वो अपने पास रख लेंगे, और जो 7 किलो का होगा वो आपको हैंड ओवर कर देंगे, वो आप अपने साथ रख सकते हैं, अपनी फ़्लाइट में ले जा सकते हैं। तो अभी हमारा बोर्डिंग पास बनने वाला है, उसके बाद हम फ्लाइट में जाएंगे, देखते हैं। तो गाइस अभी हम गेट 2 की तरफ जा रहे हैं और ये हमारी ट्रेन बहुत बड़ा है, एयर एशिया का प्लेन आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में खड़ा है, इसमें ही हम जाएंगे। ये हम फ्लाइट पे चलते हुए, ये हमारी फ्लाइट खड़ी है नीचे, चलते हैं नीचे। अभी कोविड की वजह से कुछ इस तरह की किट देंगे आपको, ये तो जो आप एयर एशिया में या कोई भी फ्लाइट में आप जाते हो, ये मास्क पहन के फ्लाइट देख सकते हो तुम्हारी। तो ये हम फ्लाइट की ओर जा रहे हैं, ये हमारी फ्लाइट है, अभी देखते हैं कि हमारी सीट कौन सी है। अपना हम लगेज रख देते हैं ऊपर, और बोर्डिंग पास हमारी सीट कौन सी है। बोर्डिंग कम्प्लीट है, देवी और सत्य ज्योति के बीच की सीटों पर बैठे हैं, उनसे निवेदन कृपया। एशिया की उड़ान संख्या 7 संपर्क में आते ही ये बत्ती जल जाएगी और ये सीटें ध्यान आकर्षित करने में आपकी सहायता करेगी। इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हर द्वार पर मौजूद है। इस विमान पर 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 विमान के पिछले हिस्से में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के अगले हिस्से में है। याद रहे आपका नजदीकी द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। विमान में धुआं मौजूद होने पर फर्श पर लगी फ्लोरेसेंट मार्क आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़िए। जो अतिथि ओवरविंग द्वारों पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे इन द्वारों की संचालन विधि को ध्यान से पढ़ें और समझ लें। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ डेमोंस्ट्रेट टू यू द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। योर सेफ्टी इज आवर अटमोस्ट कंसर्न एंड एज द सेफ्टी फीचर्स मे डिफर फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, वी आस्क फॉर योर फुल attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling the strap. To open, your seat belt securely.
should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above you, immediately pull the mask and seat to use the head like this, tip on the waistband, and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red flag to inflate your life jacket. Do not inflate your life jacket until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life jacket has an overreaching for further inflation. The light comes on when in contact with water and there's a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at मुझे देखो किन टिकट बना दी है ये बैठे ना उनको किन टिकट बना दी है As an order to for further inflation, the light comes on when in contact with water and there's a whistle to attract attention. Evacuation. यदि आपातकालीन स्थिति में कैबिन के दबाव में कमी होने के कारण ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए तो आप ऑक्सीजन नकाब का उपयोग करने से पहले अपना फेस मास्क और फेस शील्ड हटा दें। नंबर 5 पर जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। ये देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट IGI टर्मिनल 3 की ओर चलते हुए अल्टीमेट है एकदम। देख सकते हैं गाइस पीछे का कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है, तो मैट वगैरह पूरा बिछा करके। बेल्ट नंबर 5 से हमें अपना लगेज लेना है, क्योंकि 15 किलो हमें अलग बेल्ट पर डालना पड़ता है और 7 किलो को हम अपने साथ रख सकते हैं। 15-15 किलो जो हमारा था वो बेल्ट पर है। गाइस जब आप वहाँ से उतर जाते हो तो आपका इस तरह से बेल्ट पर आपका सामान घूमता है, तो अब जब आपका सामान आएगा ना तो आपको पकड़ लेने का है। सामान आएगा तो आप उसमें से उठा लेना, तरह से यहाँ पर वेट करना पड़ता है, इसलिए चैन पे टाइम लगता है। सामान आ रहा है, जिसका भी सामान होता है वो अपना सामान उठा लेते हैं इसके अंदर से। ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है, उसको बोलते हैं चैन। ये सामान आ रहा है, इस चीज़ का भी सामान आता रहेगा, यहाँ से लोग उठाते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक्सप्रेस लाइन पे और हम जा रहे हैं अपने रूम पर। अभी हमारा बस अपने जो आज का जो ब्लॉग है उसको माइंड अप करते हैं और फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक नया ब्लॉग, नई जगह पर करते हैं।
फिर हम आपको नई लोकेशन में एक नया ब्लॉग दिखाने वाले हैं, तो अभी लेते हैं आज का ब्लॉग हम यहीं पे।